इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अलवर के बहरोड में अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर हादसों को दे रहे अंजाम। बहरोड क्षेत्र में हत्या जैसी वारदातों का खुलासा करने में पुलिस हो रही है असमर्थ। रीवा में परिवहन चेक पोस्ट नाके में जारी है अवैध वसूली का गोरख धंधा। ट्रक ड्राइवर की जेब में जबरन मोबाइल छीनते कैमरे में कैद हुआ पुलिस वाला। पाली के मारवाड़ में राजस्थान शिक्षक संघ उप शाखा मारवाड़ जंक्शन की बैठक हुई आयोजित। बैठक में गणमान्य लोग रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। जालौर के जसवंतपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप सिंह और डॉक्टर परमार का तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी की और तबादले को निरस्त करवाने की मांग की है, जिसमें जसवंतपुरा, गोलाना, जीतपुरा, पावटी सहित दर्जनों गांव के लोगों ने उपखंड मुख्यालय पर चिकित्सा, स्वास्थ्य मंत्री जयपुर और सीएमएचओ जालौर, सांसद और रानीवाड़ा विधायक के नाम ज्ञापन सौंप कर दोनों डॉक्टरों के तबादलों पर निरस्त करने की मांग की। इस मौके पर कई शहरवासी और ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर के बहरोड कस्बे में अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर हादसों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन की उदासीनता का सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है। पिछले कई दिनों से बहरोड क्षेत्र में हत्या जैसी वारदातों का खुलासा करने में पुलिस असमर्थ होने के साथ साथ उदासीन भी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ नन्ही जान बाल बच गई। मामला बहरोड के भरतरी रोड का है, जहां पर यूनिक स्कूल के बस बच्चों को लेकर आ रही थी। सामने से तेज गति से आ रहे पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ने बस में टक्कर मार दी। गनीमत रही कि बस में बैठे बच्चों को चोट नहीं आई, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई मासूम इस हादसे की शिकार हो सकते थे। पुलिस अवैध खनन को रोकना तो दूर की बात, पुलिस के नाक के नीचे से पत्थरों से भरे ट्रक गुजरते हैं और पुलिस मूक बनी रहती है। अवैध खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शायद हमारे प्रशासन की शिथिलता, हमारे पुलिस विभाग की शिथिलता इस कदर बढ़ गई है कि तस्करी दिन दहाड़े होने लगी है। दोपहर में 2 बजे उल्हाड़ी चांदपुर मुंडावर से आने वाले पत्थर, बीच में तीन तीन चार चार पुलिस चौकियां रास्ते में पड़ने पर भी पुलिस प्रशासन की शिथिलता एक तरफा बह हो रही है। मुझे नहीं लगता अगर इसी तरीके से पुलिस प्रशासन चलता रहा तो समाज का एक ये स्कूल से संबंधित तबका भी सुरक्षित रह पाएगा। हम अपेक्षा रखते हैं भैरोड पुलिस प्रशासन से कि वो इस तरह की तस्करियों का विरोध करे, उनको रोकथाम करे और इस तरह के असामाजिक तत्वों को बैन लगाए, उन पर कानूनी कार्रवाई और सख्ती से कार्रवाई करे। अन्यथा हम शिक्षण संस्थान सभी एक होकर प्रशासन से इस सवाल का जवाब मांगेंगे। जब कल को किसी तरह की कोई अनहोनी होगी उस समय पुलिस प्रशासन हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। हाल फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, क्या कुछ है? बिल्कुल, मुझे कहा गया था कि आपकी बस में जिस तरह का जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर भरपाई कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, नियमों को ताक में रखकर यदि हम ही शिक्षण संस्थान चलाएंगे तो हम लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। समाज का आधार शिक्षक होता है और शिक्षक होने के नाते ये जो तस्करी हो रही है इसको रोकने के हम भरपूर प्रयास करेंगे। जिस तरीके से अभी पुलिस वाले ने भी कहा, इससे संबंधित जो भी सख्त से सख्त और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए मैं अपेक्षा रखता हूँ। हमारा पुलिस प्रशासन मुझे सपोर्ट करेगा, अन्यथा आगे कार्रवाई भी मुझे बहुत अच्छे से आती है। जोधपुर के शेरखंड के उपखंड की ग्राम पंचायत गड़ा में शनिवार को पंचायत सहायक पर रूंगाराम मेघवाल पर हुए प्राणघात हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने और मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर न्याय दिलवाने की मांग को लेकर सामाजिक संगठन दलित अधिकार नेटवर्क राजस्थान और दलित अधिकार मंच के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर जोधपुर,
जिला पुलिस अधीक्षक के नाम उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी को ज्ञापन सौंपा गया। अगर शासन और प्रशासन समय रहते गिरफ्तार नहीं करती है तो राज्य व्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान बी आर मेघवाल, पप्पूराम बोस, मनोज परमार, भागीरथ परमार, दीपाराम बोस, नरेश परमार, ओम प्रकाश बोस, त्रिलोक बोस, रणजीत, सुरेश, देवाराम परिहार, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जोधपुर के शेरगढ़ के उपखंड की ग्राम पंचायत गजे सिंह नगर में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकांश शिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त है। एक विज्ञान के शिक्षक विनोद कुमार को लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर राजकीय मॉडल स्कूल साई में लगा रखा है, जिससे स्कूल में लगभग 400 बच्चों का भविष्य पर सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। सरपंच शेताना राम भील के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूल में रिक्त पद भरने और प्रतिनियुक्ति पर लगे गए विनोद कुमार की प्रतिनियुक्ति निरस्त करवाकर पुनः मूल पद पर लगाने की मांग की है। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान आनंद भारती विद्यापीठ हर वर्ष 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। हिंदी इंग्लिश मीडियम कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक। एडमिशन ओपन आनंद भारती विद्यापीठ भूडा गेट डी भरतपुर। मोबाइल नंबर 9460109393 9414210993। चमन माध्यमिक विद्यालय सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक रमनलाल शर्मा और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। गांधी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग उपलब्ध। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण। वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। मोबाइल नंबर 9461623422। गांधी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कचहरी पंचायत समिति रोड बयाना भरतपुर। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान माँ सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर हर वर्ष 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण संतुष्टि। अनुभवी और योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रधानाध्यापक एच सी सैनी, व्यवस्थापक महेश चंद। प्रवेश प्रारंभ LKG से 10वीं तक के लिए। संपर्क सूत्र 9166862744 9462376051। माँ सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर भूटा गेट डी भरतपुर राजस्थान। देसी खाना, विदेशी खाना, चटपट खाना, झटपट खाना, घर का खाना, बाजार का खाना, थाली का खाना, सड़क का खाना, छोटा खाना, बड़ा खाना, खाना पीना ऐसा खाना वैसा खाना, बस खाते ही जाना, खाना खा जाना, यम्मी खाना, टम्मी खाना। जी हाँ, सत्यमेव लाए हैं अपने दर्शकों के लिए खास कार्यक्रम किचन करामात। दुनिया भर की स्वादिष्ट रेसिपीज को अब बनाइए चुटकियों में। हमारे साथ देखिए किचन करामात और सीखिए हुनर रसोई का। हर रोज देखिए एक नई विधि, एक नई रेसिपी की, सिर्फ किचन करामात में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप में है टैलेंट सिंगिंग का
डांसिंग का या हो कोई अनोखा टैलेंट तो उठाइए अपना फोन, कीजिए रिकॉर्ड और भेजिए हमें आपके स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है टोंक जिले के ग्राम चपराना में जन सुनवाई सभा का आयोजन किया गया। टोंक जिला कलेक्टर रामचंद्र ढेनवाल, उपखंड अधिकारी हरि सिंह जन सुनवाई में मौजूद थे। इस सभा में ग्रामीणों में काफी संख्या में भाग लिया। सब अपनी अपनी समस्या लेकर आए थे। पानी की समस्या का गंभीर मुद्दा ग्रामीणों द्वारा उठाया गया। ग्रामीणों का कहना था कि पानी के 13 पीएचसी पॉइंट है, पर लोगों ने 30 से 40 अवैध कनेक्शन कर रखे हैं, जिसके कारण पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पेयजल की समस्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने तुरंत समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, साथ ही संबंधित विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने के आदेश दिए। ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत की चारागह भूमि पर अतिक्रमण की समस्या से भी कलेक्टर को अवगत करवा दिया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम में भी कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। जिला कलेक्टर ने प्रशासन को और सरपंच को 25 जुलाई तक अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया है। साथ ही ग्रामीणों से अपील भी की है कि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन का सहयोग करें। ऐसा है कि यहाँ मैंने आज देखा है सबसे ज्यादा मामले अतिक्रमण के आए, और अतिक्रमण करने वाला कोई सारा गांव नहीं है, कुछ छटे हुए लोग हैं। मैंने सभी गाँव वालों को ये समझाइश की है कि जो अतिक्रमण करता है उसका साथ नहीं दिया जाए, कम से कम उसके साथ तो नहीं लगें, बाकी काम हमारी सरकारी एजेंसी कर लेगी। 25 तारीख को सरपंच साहब की एक टीम आएगी, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत राज के ये ग्राम से वो वगैरह और पुलिस जाब्ता, ये आके अतिक्रमण हटाएंगे। लेकिन इसमें गांव वालों का सहयोग आवश्यक है। यदि अतिक्रमी प्रभावशाली हुआ और उसके साथ सारे गांव लग गए और रेवेन्यू एजेंसी या सरकारी एजेंसी के साथ कोई नहीं लगे, तो फिर रेवेन्यू एजेंसी केवल कोई झगड़ा करने थोड़ी आ रही है। इसलिए ये आवश्यक है कि गाँव वाले सब अतिक्रमण के खिलाफ खड़े होकर प्रशासन का साथ दें तो अतिक्रमण हटेगा। हमारे गांव में पानी की, बिजलपुर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अवैध कनेक्शन निकल रखे हैं गांव में। केवल सरकार द्वारा तो 13 कनेक्शन ही मान्य हैं, पर सरकार के द्वारा कनेक्शनों के अलावा भी मतलब 100 से ज़्यादा कनेक्शन निकाल रखे हैं गांव वालों ने, और मानने अभी प्रशासन को दिया था, पहले भी दिया था, प्रशासन सुनाई नहीं करता। अभी प्रशासन कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, तब कलेक्टर साहब ने ऐसे किया जल्द से जल्द आपकी कार्यवाही की जाएगी इस कार्य पे, और आप जब समिति बनाओगे जब कार्य हो जाएगा आपका पूरा। रीवा में पूरे भारतवर्ष के परिवहन चेक पोस्ट नाके बंद कर दिए गए हैं। वहीं रीवा जिले के हनुमाना चेक पोस्ट में वसूली का खेल बेरोक टोक जारी है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र से मशीन लोड कर बनारस की तरफ जाने वाले ट्रक ड्राइवर से 500 रुपए वसूली की राशि ना मिलने से आरटीओ कर्मचारी इतना नाराज हुआ कि वह जेब में ही डाका डालने लगा और जेब में रखा मोबाइल छीनकर 20,000 और 40,000 की खुलेआम मांग करने लगा। इतना ही नहीं, खुलेआम मंत्री और कमिश्नर को भी धमकी देते कैमरे में कैद हो गया। जब मीडिया द्वारा उससे इस संबंध में पूछताछ करनी चाहिए तो वहां मौजूद सब कर्मचारी भाग खड़े हुए। यह हाल है रीवा पुलिस का। कहना गलत नहीं होगा कि खामी पूरे सिस्टम में है, नहीं तो मजाल है कि सिपाही ऐसी करतूत करते सामने नजर आए। जयपुर जिले के सांबर नगर पालिका द्वारा सांबर बस स्टैंड के नजदीक फुलेरा नावा मार्ग का जीर्णोद्धार का कार्य स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों के साथ साथ राहगीरों के लिए बना परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार फुलेरा नावामार पर स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत द्वारा सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान सर्किल का शिलान्यास किए जाने के और कस्बे के सौंदर्यकरण को देखते हुए फुलेरा नावा मार्ग को चौड़ा करने का कार्य करीब एक माह पूर्व किया गया था, मगर आज तक पालिका प्रशासन द्वारा सड़क तो दूर नालियां तक नहीं बनाई गई, जिसे व्यापारियों ग्राहकों के साथ साथ राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जिसकी शिकायत स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष राम अवतार सैनी और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़ ने व्यापार महासंघ अध्यक्ष को दिए। एक माह व्यतीत होने के बाद भी हालात जो क्यों बने हुए हैं। पालिका प्रशासन ने आज फिर जेसीबी मशीन लगाकर कुछ दुकानदारों के सामने तोड़फोड़ चालू की, जिस पर दुकानदार इकट्ठे होकर विरोध जताते नजर आए। जेसीबी मशीन को बंद कर वहां से हटवा दिया। व्यापारियों का रोष है कि पालिका प्रशासन भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए व्यापारियों के साथ कुठाराघात कर रही है। क्या कारण है? हम सभी लोग चाहते हैं कि ये रोड बने ही बने और इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों कुछ ही क्षेत्र में फोकस होकर के रह गई। हम लोग चाह रहे हैं कि ये देवयानी तक का रोड पूरा बने और पूरा डिवाइडर बनकर के सुंदर रोड बने। इसके लिए सभी व्यापारी प्रयासरत हैं। सभी व्यापारियों ने शहर अपनी खातेदारी की, अपने अधिकार की, अपने कब्जे की सभी भूमि बिना किसी प्रतिरोध के सभी लोगों ने प्रशासन को अर्पण की थी, प्रशासन को प्रदान की थी। लेकिन आज एक महीना हो गया इस पंडा तो रोड बन पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है। व्यापारियों को बारिश के अंदर इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, सामने कीचड़ हो जाता है, ग्रह खड़ा नहीं रह पाता है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसको तुरंत तैयार करवा दें। और जो बात थी कि देवयानी तक डिवाइडर लग करके रोड बनेगा, दोनों तरफ के अतिक्रमण जिसके भी होंगे हटाए जाएंगे, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उस दोनों तरफ के अतिक्रमण हटा करके इस रोड को तुरंत बनावे और जिसे सांबर की जो जन भावना है सुंदरता बढ़े और डिवाइडर बन करके और अपने जो पर्यटन नगरी के अनुरूप जो काम होना है वो तदनुसार काम हो। डिमांड है, व्यापारी को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई थी, आराम से मतलब यहाँ से फुलेरा सर्किल से लेके पृथ्वीराज सर्किल से लेकर के देवयानी तक जो डिवाइडर बनकर के दोनों तरफ नालियां बनाने का कार्य होना है। तो जब उन्होंने हमारी दुकानों के आगे हमारी खुद की निजी जमीन थी, उनके चबूतियां बनी हुई थी, उनको बिना हमारी परमिशन से तोड़ दी और हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमने आराम से कहा भाई तोड़ लो, भाई सड़क अच्छी हो रही है, रौनक बढ़ेगी, इस मार्केट की रौनक बढ़ेगी, सामर का नाम रोशन होगा। हमने इसके लिए लिख के और व्यापार महासंघ के अध्यक्ष को अवगत करवाया था और उन्होंने वो कहा था कि हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे, एमएलए साहब से मिलेंगे, डीओ साहब से मिलेंगे और सबसे मिल के हम शीघ्र काम करवाएंगे। सामर से नावा रोड पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, सरकार के निर्देशानुसार शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पृथ्वीराज चौहान सर्किल का भी निर्माण कराया जा रहा है और देवयानी तक डिवाइडर रोड का जो निर्माण कराया जा रहा है उससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। और अगर व्यापारी अगर ये बोल रहे हैं, हम मानते हैं, हम व्यापारियों ने कोऑपरेट किए हैं और टेंडर प्रक्रिया में टेंडर हो चुका उसका और आज से उसका निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है और हम शीघ्र ही नाली रोड और सर्किल का निर्माण शीघ्र जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। झालावाड़ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट आजम खान के निर्देशानुसार मंगलवार को ग्राम पंचायत उन्हेल के ग्राम कर्माखेड़ी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। एडवोकेट संतोष सोनी ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के आज विश्व दिवस के अवसर पर ग्रामवासियों को कानून की जानकारी दी और धापू मीणा ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी। पंपलेट वितरण किए गए। इस अवसर पर वार्ड पंच ग्रामीण मौजूद रहे। पिड़ावा में झालावाड़ जिले के पिड़ावा के मेला मैदान परिसर में मंगलवार को लगभग एक दर्जन गाय भूख प्यास से अचेत पड़ गई। वहीं दो गोवंश बिना ढक्कन के नाले में गिरने से घायल हो गए। वहीं एक गोवंश को जंगली कुत्तों ने नोच नोच कर घायल कर दिया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बताया कि लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद नाले में गिरी गायों को बाहर निकाला। क्षेत्र में दो गौशाला होने के बावजूद भी गोवंश की यह हालत है। नगर के चौराहों पर मवेशियों के झुंड की भरमार होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट बैंक तिराहा, छप्पन बाजार, खंडपुरा, नयापुरा, मेला मैदान, थाना परिसर के सामने सहित कई जगहों पर दर्जनों की संख्या में गोवंश के झुंड सड़कों के बीचों बीच बैठे रहते हैं। इससे निकलने में अधिक परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा है। MJF सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक लक्ष्मण प्रसाद सैनी और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भरतपुर के डी का एकमात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र पुष्पांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10वीं का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रवेश प्रारंभ LKG से 12वीं के लिए, LKG से 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम में। वाहन सुविधा उपलब्ध। डायरेक्टर मुकेश सिंह राजपूत, मोबाइल नंबर 9413594363। पुष्पांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्य समाज गली, सौघर मोहल्ला, डीग, भरतपुर। सरिता सेकेंडरी स्कूल समस्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भरतपुर के डी का एकमात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र शालू सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10वीं का 100% परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ व्यवस्थापक नरेंद्र कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9785505936। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान स्वामी रामस्वरूप माध्यमिक विद्या मंदिर। हर वर्ष 10वीं का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। अनुभवी और योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रधानाध्यापक मोतीलाल शर्मा, मोबाइल नंबर 9414715981। स्वामी राम स्वरूप माध्यमिक विद्या मंदिर। प्रवेश प्रारंभ नगर रोड, डीग, भरतपुर। द राजस्थान ग्लोबल स्कूल जड़ से मजबूत शिक्षा, डीग का प्रथम वास्तविक अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डीग का प्रथम वास्तविक अंग्रेजी माध्यम स्कूल। एडमिशन ओपन कक्षा नर्सरी से 8वीं तक। द राजस्थान ग्लोबल स्कूल, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, डी भरतपुर। मोबाइल नंबर 7734919196978597962। नागौर में हरी टीमा पर्व के तहत 17 जुलाई 2018 को विप्र फाउंडेशन युवा मंच नागौर के द्वारा पॉलिथीन और डिस्पोजल बैन को लेकर सहायक कलेक्टर प्रभाती लाल जाट को ज्ञापन दिया। जिला महामंत्री पदम सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में व्यापारियों और हाथ ठेले वालों, फेरी वालों द्वारा पॉलिथीन और डिस्पोजल का प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है, जो कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। जिला कोषाध्यक्ष ललित पाराशर ने कहा कि न केवल कानून का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि निर्दोष अबोध और निर्मोही गायें मारी जा रही है। भूमि बंजर और ओरस हो रही है। युवा जिला महामंत्री सुनील मिश्रा ने बताया कि सहायक कलेक्टर महोदय से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई हेतु आग्रह किया गया। समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो युवा मंच के बैनर तले योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। सिरोही के स्वरूपगंज कस्बे में यातायात व्यवस्था, अवैध शराब की दुकान, हाईवे रोड पर जगह जगह पर रोड कट, टोल प्लाजा की समस्या, हाईवे के सर्विस रोड पर अवैध रूप से पड़ा भंगार को हटाने और अवैध बजरी खनन के मुद्दे पर चर्चा कर स्वरूपगंज जनता को राहत पहुंचाने का पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने थाना प्रभारी पूरा राम दहिया को जानकारी अवगत करवाकर जनता की समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। सीएलजी की बैठक में स्वरूपगंज पुलिस थाना SHO पूरा राम दहिया, सीएलजी सदस्य समाज सेवी किशोर सिंह देवड़ा,
भावरी उप सरपंच संजय परमार, हीरा राम चौधरी, गिरधारी लाल अग्रवाल, मांडवाड़ा खालसा सरपंच रूपा राम देवासी, देवीदान समेत काफी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। भिंडर में निकटवर्ती अड़िंदा ग्राम पंचायत में मंगलवार को भोपा सागर ग्राम सेवा सहकारी समिति अड़िंदा में किसान फसली ऋण माफी प्रमाण वितरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में करीब 218 किसानों को करीब 2 करोड़ फसली ऋण माफ किए गए। अध्यक्षता समिति अध्यक्ष और जनता सेना के देहात जिला अध्यक्ष धर्मराज मियावत थे। इस अवसर पर विधायक भिंडर ने कहा कि ऋण माफी योजना वसुंधरा सरकार महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीब बच्चों को इसका फायदा होगा। इस सरकार में प्रत्येक वर्ग के लिए योजना है, जिसका आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। इस आयोजन में अड़िंदा सरपंच कालू लाल रावत, धावड़िया सरपंच प्रेम लाल मीणा, समिति व्यवस्थापक रूप लाल रावत, बाठेड़ा इकाई अध्यक्ष जनक सिंह, अड़िंदा अध्यक्ष माधु सिंह, अंबालाल रावत, बग्गड़ अध्यक्ष भैरू सिंह, विजय लाल मेनारिया सहित कई किसानों और ग्रामीण उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में हरियाली को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए संगम उद्योग समूह की महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सूची त्यागी ने ट्री गार्ड और पौधे निःशुल्क वितरण कर किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सूची त्यागी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संगम उद्योग समूह द्वारा 1,00,000 पौधे और 5,000 ट्री गार्ड भीलवाड़ा को हरा भरा और खुशहाल बनाना प्रेरणास्पद हुए। अन्य उद्योगपति भी इससे प्रेरणा ले कार्यक्रम में उद्योगपति और समाजसेवी मौजूद रहे। पाली के मारवाड़ में राजस्थान शिक्षक संघ उप शाखा मारवाड़ जंक्शन की बैठक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भगवानपुरा में उप शाखा अध्यक्ष गोविंद नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सदस्यता अभियान और विभिन्न शिक्षक समस्याओं और नवीन पेंशन स्कीम के विरोध में दिनांक 30 जुलाई 2018 ब्लॉक स्तर पर होने वाले धरने और ज्ञापन की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री प्रवीण मालवीय ने संगठन की गतिविधियों से अवगत करवाते हुए अधिक से अधिक सदस्य बनाने पर जोर दिया। सभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ओशिया ने सभी संगठन के सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और कार्यकारिणी सदस्यों को तय सदस्य संख्या बनाने का आह्वान किया। हरियाणा राजस्थान के तहत विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर महेंद्र सिंह सोडा, मिश्रीलाल प्रजापत, प्रकाश परिहार, सेताराम बारूपाल, राजेंद्र महेश कुमार, रमेश भाटी, कुलदीप सिंह, सुमेर आदि उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आपका हिम्मत चाहिए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।